सर नमस्कार। नमस्कार, आपका शुभ नाम? दिलीप शंकर अबम। दिलीप जी, आपका मोबाइल नंबर? 9326994063। ये इलेक्ट्रिक गाड़ी आपकी है किसी कंपनी की? कंपनी की, मूविंग कंपनी की। मूविंग, ओके, टेक्नोलॉजी कंपनी। ओके, कितना गाड़ी है इस कंपनी के पास? यहाँ पे लगभग अभी 300 के पास यहाँ पे गाड़ी है मुंबई में, यहाँ पे अभी जो कुर्ला ब्रांच में यहाँ पे। ये प्याजो की गाड़ी? प्याजो की, प्याजो की 30 के करीब। 30 यहाँ पर है। हाँ। गाड़ी सब इलेक्ट्रिक है? सब इलेक्ट्रिक। ओके, अच्छा आप इस गाड़ी को चला रहे हैं, आप यहाँ पे मेरी मुलाकात हुई, आप गाड़ी कब से चला रहे हैं? 6 महीने से। 6 महीने से। गाड़ी किस काम में चलाते हैं? ग्रोसरी में होता है सर, फ्लिपकार्ट में जो भी प्रोडक्ट कंपनी ने सप्लाई करने के लिए गाड़ी लॉन्च की है वो हम लोग को वहाँ पे जाके सर्विस देना पड़ता है। ओके, ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। ट्रांसपोर्ट। जनरली कितना वजन लेके चलते होंगे? 600-700 सर। कितना वजन लेके चलते हैं? गाड़ी चलाने में कैसी है? गाड़ी चलाने में कंफर्टेबल है सर एकदम। क्या अच्छा लगा आपको गाड़ी का सर? स्पेस जो बैठने में लगातार बढ़ा दिया है गाड़ी में, मतलब जो हैंडल है ऊपर पैर के ऊपर है, जो मतलब आदमी को लग सकता है कि अभी गाड़ी टर्न मारने के लिए अपने को दिक्कत नहीं होती उससे, जो जेन्युइन प्रॉब्लम आपके सब गाड़ी में मिलती है वो गाड़ी में नहीं मिलती मुझे। ओके, और क्या लगा गाड़ी में? पावर पिकअप? पावर पिकअप में भी सर अच्छा है, क्योंकि जैसे स्टार्ट किया तो अपने को पहला किक मारना पड़ता था, वो पहला मसला था पहला ऑटो का, वो निकल गया है। अब इलेक्ट्रिक बोले तो ये गाड़ी में अच्छे बहुत कुछ अच्छे दिया है इसमें। तो इसे पावर पिकअप का आपको एहसास होता है? एकदम बढ़िया है। और क्या अच्छा लगा गाड़ी के अंदर? गाड़ी के सर इसमें यही है कि जो रनिंग में जो किलोमीटर जो गाड़ी भागती है कंफर्टेबल, मतलब इससे भी अच्छी भागती है रिक्शे से, जो ऑटो से बेहतरीन गाड़ी है कंपनी ने निकाली। ओके ओके, गाड़ी में साउंड वगैरह, इंजन की साउंड कुछ हो रहा है ऐसा? नहीं सर, साउंड नहीं है। अच्छा है तो इसलिए मतलब हैडेक नहीं हो रहा दिमाग में कि गाड़ी चल रही है, गाड़ी का आवाज आ रहा है, वो दिमाग पेशेरिया हाईलाइट होता है। और गाड़ी में गियर बॉक्स में क्लच वगैरह बदलने का कुछ ऐसा झंझट इस गाड़ी में? नहीं नहीं सर, उसका कुछ प्रॉब्लम नहीं। तो दूसरी गाड़ी में तो बार बार गियर बदलना पड़ता है, इस गाड़ी में कैसे होता है? क्लच खराब हो गया तो उसको मेंटेनेंस देखना पड़ता है, यहाँ पे कुछ नहीं है, अपनी रोज की रोजी रोटी है, सुबह रात को चार्जिंग करना है, सुबह लेके चला जाना है। ओके, तो इसके अंदर जो ट्रांसमिशन है, गियर बॉक्स है, कुछ ऑटोमेटिक, इसके बारे में थोड़ा बताएंगे कैसा होता है, गाड़ी चलती कैसे है, मतलब एकदम? गाड़ी सर यहाँ पे चाबी लगा है तो सर पहले ये न्यूट्रल पे दिया है, न्यूट्रल पे यहाँ पे एफ दिया है, यहाँ पे फर्स्ट पे, और एफ पे दिया तो मतलब बी में, मतलब सेकंड, मतलब फास्ट मोड में, मतलब जैसा अभी सब जो ब्रिज लग गया तो मुझे दिक्कत आ रही है गाड़ी लोड लेके, तो बी पे डाल दिया तो डायरेक्ट वो गाड़ी कम्फर्टेबल भागती है। ठीक है, रुकती नहीं। तो इसमें खाली एक्सीलेटर ही दिखाई दे रहा है? हाँ, एक्सीलेटर क्लच नहीं सर, यहाँ पे इलेक्ट्रिक की गाड़ी है तो इसलिए खाली एक्सीलेटर दिया है कि रेस के ऊपर गाड़ी भागती है। तो रेस के ऊपर चलाने से गाड़ी में आपको आनंद आता है, अच्छा लगता है? मुझे तो सर जो आदत जो क्लच की थी वो तो मेरे हाथ से निकल गई, तो जो भी चलाते थे पहले क्लच डालो, गियर डालो, वो क्लच पकड़ के डालते रहो, तो आदमी को मतलब बार बार प्रॉब्लम रहता था, और गाड़ी में आज नहीं तो कल नहीं तो परसों, तो क्लच तो उतरते रहता है, खराब होते रहते, इसमें वो दिक्कत नहीं है। ओके, अच्छा ये गाड़ी देखने में कैसी लगी आपको? देखने में तो सर एकदम कम्फर्टेबल, मुझे एकदम सुपर लगी, क्योंकि गाड़ी की फैसिलिटी जो मुझे कंपनी ने दी ये गाड़ी बेहतरीन दी मुझे। और गाड़ी का जो रंग है? रंग भी सर एकदम, कलर भी चॉइस एकदम। क्या रंग के बारे में, मतलब क्या अच्छा क्या लगा आपको? कलर के बारे में एकदम बेहतरीन लगा सर। बेहतरीन। और आगे फ्रंट से देखने में गाड़ी कैसी है? फ्रंट में भी एकदम बढ़िया रही लुकआउट। बढ़िया, तो कुल मिला के आप इस गाड़ी से संतुष्ट है? हाँ। आपको ऐसा लगता है कि ये नए जमाने की गाड़ी है, नई टेक्नोलॉजी है, इसको लोग फ्यूचर की सर, फ्यूचर के साथ में चलना है हम लोग को, फ्यूचर को समझना है, फ्यूचर के साथ में हम लोग को चलना है। आप इस गाड़ी से संतुष्ट है? संतुष्ट। तो 6 महीने से आप ही इस गाड़ी को लगातार चला रहे हैं? लगातार चला रहे हैं। ठीक है, थैंक यू सर।